Hi, it's been really long since we have made a vlog. So I thought ki let's make a vlog now. So aaj Holi hai and tomorrow is our school reunion. So kaafi time baad, like I am 2014 pass out, 12th class. So I was planning to wear a sari or this is the sari that I'm planning to wear. ये ग्रे और ब्लैक में है लेकिन नो और ये मम्मी की साड़ी है सिंस हर मतलब कि उनके शादी के टाइम की सो 26-27 ईयर्स ओल्ड बट मम्मी ने ये आज तक एक बार भी नहीं पहनी. ऑल्सो स्कूल पीपल एक्चुअली आस्क कि लाइक यू नो वुड यू लाइक टू परफॉर्म समथिंग और लाइक यू नो डू समथिंग ऑन स्टेज. सो आई वाज लाइक कि ठीक है व्हाई नॉट. सो आई एम गिविंग अ स्पीच एंड आई जस्ट हैव टू मिनट्स. आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू से क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया था वो काफी अलग है बट द टाइम इज वेरी लिमिटेड. सो या सो हैव टू प्रिपेयर दैट टू मिनट्स का थिंग नाउ. And tomorrow I will see you now. Bye. Hi, it's the next day. और आज है 19th March, the reunion day. मैं अभी रेडी होना स्टार्ट हो रही हूँ. इट्स अराउंड 3:21. प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 5, सो वी आर प्लानिंग टू रीच एट 5 और लाइक बिफोर दैट जस्ट टू मीट टीचर्स एंड एवरीवन. एंड अभी थोड़ा बहुत बाल को मैंने स्ट्रेट किया है. आई एम वेयरिंग द टॉप नाउ. आई विल जस्ट डू सम awesome, like you know, a very minimal makeup on my face, and then we will get ready and leave. Dekho guys, I have reached my. Hi, Shita. Vlogging kar rahi. Hi, vlogging kar rahi. Wow, kitni achhi lag rahi hai yaar. Main bahut over lag rahi hoon kya? Nahi, achhi lag rahi hai. Yaar, main tere ghar pe school ke baad ab aayi hoon. मुझे क्लास के बाद. हाँ, मुझे 1% भी याद नहीं है यार. पहले नहीं था, पहले बहुत गंदा था. उसके बाद भी ना ये भी थोड़ा सा मैंने ही सही किया है. अब ये भी सब खराब हो गया. तो यहाँ पे कितनी सारी गार्डनिंग कर सकती है. हाँ, अभी इसके अंदर है ये कंपोस्ट. ये हमारा नींबू का पेड़. इसमें आता है नींबू. हाँ, एक दिन तेरे घर पे आती हूँ, अपन वीडियो बनाते हैं और अपन यहाँ पे प्रॉपर पूरी लैंडस्केपिंग करते हैं और मैं पौधे भी लेकर आऊंगी. ये अनार है ना. हाँ, ये अनार है. ये हमने ना काट दिया, इसमें ना छत्ता लग गया था. हम स्कूल पहुंच गए यार. मुझे तो याद आ रहा है ये लेन. हम लोग पीछे से आता था हमारा ऑटो. अच्छा, हाँ, वो कैसे लग रहा है शता? मैं पहली बार आई हूँ यार. नहीं, दूसरी बार. एक बार फेस्ट में आए थे. ये नहीं है ना बहन, आ गया अपना स्कूल. ये ऐसा हर लोग है भाई, अपना स्कूल आगे गली में जाके स्कूल. वीडियो ऑन रखना. हमारा स्कूल आ गया. मुझे भी लेना एक बार है ऐसा. अभी रत्तिका गड़बड़ कर चुकी थी. एसआर ग्लोबल का इधर मुड़ जाए, इधर और ना ये देख, ये वाला वो है ना, ये न्यूक्लियर नहीं, एटॉमिक एनर्जी. अपन आए थे पीछे. दिखाना मेरे को पता है. मैं पूरा घुमाऊं कैमरा. हमारा विजिट था यहाँ पे, है ना, एजुकेशनल विजिट. अभी तेरी वीडियो खराब हो गई होगी. आगे पीछे घूम के मुझे याद है. हमारी वैन पीछे आती थी. ये रहा है मेरा स्कूल. ये तो कॉलेज है, सॉरी. आगे बस ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही है. अब मेरा दिल धक धक हो रहा है, मुझे नर्वसनेस हो रही है यार. मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है. कोई बात नहीं, रो मत देना. मैं स्टेज पे जाके एमपीएस अंदर ले लूं. हाँ, ले ले. ये है ना रुद्राक्ष. अंकल बोल रहे हैं पार्किंग नीचे उस तरफ. वाओ यार, क्या नाम था, गोदारा सर ना. ये यार, ये वाली सीढ़ियां. हाँ, यहीं से आता था हमारा. अरे भाई, मेरे बच्चे यहाँ पे और मैं लग रही हूँ सबसे ज्यादा ओवर ड्रेस. क्या बदतमीजी हो रही है गाड़ी खड़ी करने के लिए. तो बड़ा इन्होंने पीछे वाला एरिया भी हड़प लिया. ओ भाई साहब, यहाँ पे पहले रोड थी ना. वैसे भी यहाँ पे वैन्स तो खड़ी होती थी. हाँ, सही है. पहले तो वो ये देखिए, इसको बंद कर दिया पहले, यहाँ पे रास्ता होता था. तू कैसे ऐसे खड़ी रहेगी या सीधे खड़ी रहेगी? सीधे. ठीक है, वी हैव रीच्ड. सामने गोदारा सर है जो कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे.
जाना अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ, इट्स 5:30। ओए अपने पे पहले फ़ोटो खिंचवा लें, सेल्फी पॉइंट अभी अभी कोई भी नहीं है। चलें क्या मृदुला मैम महेंद्र सर कनिका भाई जी हाँ सब कुछ सेम लग रहा है। प्रिंसिपल मैम का रूम, we are looking for her over there. और हमारी क्लासेस ऊपर होती थी और देख रूम नंबर 6 ओह यहाँ पे लिफ्ट लग गई, पहले नहीं थी ना। अमीर हो पहचानते हो क्या? चेंज हो गई है पहचान गए आप? रतिका याद है इशिता शक्ल तो जानते ही आएगी। यार मैम का रूम अभी तक भी एकदम सेम है यार। और यहाँ पे हमारा असेंबली, ओ यहाँ पे डिनर होगा, यहाँ पे हमारी असेंबली होती थी, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट लग गया, ये हमारा पोडियम होता था और यहाँ पे सारे बच्चे खड़े होते थे और यहाँ से हम लोग वाइट लाइन से चल के अंदर क्लासेस में जाते थे। And loving goldfinches, whose arrival has made this Lebanon top, that is your alma mater, lively with your chitterings and a tremor of wings. इसको 2 ही मिनट मिले इसे रिसेप्शन ये हमारा एंट्रेंस एरिया। ओए हाँ ये फर्स्ट एड रूम था, सॉरी नहीं वो रहा, देख म्यूजिक रूम। ओह यहाँ पे अपन बैडमिंटन खेलते थे यार। वॉशरूम्स ओ भाई हमें क्या कैसे रखा इन लोगों ने, प्रोजेक्टर्स भी लग गए, प्रोजेक्टर्स भी लग गए और वाइट बोर्ड भी लग गया और लॉकर भी है। इससे भी ऊपर वाले में ये वाले हाँ 10th A1 10th A2 इधर था कॉर्नर वाली हाँ और ये 11th अपनी 12th थी फिर शिफ्ट। ओह हाँ सब कुछ याद है ये बाकी रह गया चलो सब जने आ जाओ हम पूरा वाइंड अप करवा के जा रहे हैं। बाय बैक अगेन और हम घर आ चुके हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 12 और इट वॉज गुड एंड आई ऑल्सो गॉट स्पेशल रिकग्निशन। सो पीपल हु गेव अ स्पीच और हु
performed. प्रिंसिपल मैम गेव दिस, वी ऑल्सो गेट अ पिक्चर क्लिक. मैं एक पौधा लेके गई थी मैम के लिए, आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ दैट ओवर हियर. आई ऑल्सो गेव अ कार्ड जो कि हैंडमेड पेपर पे बनाया था मैंने, पेपर को रिसाइकिल करके. सो येस, इट वॉज गुड, काफ़ी मज़ा आया. वी ऑल्सो हैड अ कम्प्लीट स्कूल का वॉक अभी तक, मतलब लेकिन ना सिर्फ एलुमिनाई मीट्स या तो टीवी में देखी है, मतलब कि सिर्फ टीवी सिनेमा में देखी है. उसके अलावा आई हैव नेवर हर्ड एनीवन की वी आर गोइंग फॉर एन एलुमिनाई, एंड इट वाज, मतलब द एक्सपीरियंस इज गुड. इट फील्स सो नॉस्टैल्जिक टू अगेन गो बैक, और इतने सारे टीचर्स को आपका नाम पता होता है, दैट इज लाइक इवन मोर गुड. सो या, इट वॉज ग्रेट. एंड आई वोर अ सारी, मेरे अलावा और कोई भी साड़ी नहीं पहन के आया, बट आई लाइक इट, मुझे पहननी थी सो आई डिड. या दैट इज इट. आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल पुट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू व्लॉग मच. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड इफ यू डिड लाइक इट देन प्लीज लाइक इट, लाइक द वीडियो, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. Thank you.